आज मास्क हर किसी की जरूरत बन गई है। टेलीफोनिक सर्वेक्षण के आधार पर विज्ञान संचारिका और नेशनल अवार्ड से सम्मानित सारिका घारू ने यह बात कही। उन्होंने लॉकडाउन के बाद भी इसकी जरूरत बने रहने की बात कही है। कपड़े की तरह मास्क भी एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा, यानी कि जिस तरह टाई होती है ठीक उसी तरह मास्क की भी जरूरत बढ़ जाएगी। सारिका घारू का ये मानना है कि मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए और मास्क का प्रचलन बढ़ाने के लिए इसके स्वरूप को आकर्षित किए जाने की जरूरत है। सारिका ने बताया कि ये देखने में आ रहा है कि मास्क को लगाकर बोलने में काफी परेशानी होती है, कठिनाई होती है। इसके लिए मास्क का मुंह के सामने वाले भाग की डिजाइन में भी बदलाव किया जाने की सख्त जरूरत है। और इसी तरह उन्होंने मास्क या फिर फेस कवर हैंगर को घर के बाहर ही लगाने के लिए नई व्यवस्था बनाने की बात भी कही है। तो ये काफी अच्छी पहल है और इसी मास्क के मनोविज्ञान पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त सारिका जी लाइव जुड़ रही हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। सारिका जी बहुत खुशी होती है बंसल न्यूज को भी, मुझे भी बातचीत करते हुए। तमाम उन वॉरियर्स को हम लगातार सलाम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी तो दिन रात जान जोखिम में डालकर ड्यूटीज दे ही रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी बंसल न्यूज सलाम कर रहा है जो इस महामारी के दौर में, संकट के दौर में अपनी सेवा दे रहे हैं, अपना इनोवेशन, अपना योगदान इस समाज के लिए दे रहे हैं। काफी कारगर पहल है आपकी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया, क्या कहेंगे आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये इसलिए आया क्योंकि हमारी चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मास्क को लेकर जो लोगों में इतनी सारी भय बना हुआ है, और मनोवैज्ञानिक कारण भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम किसी को मास्क लगा हुआ देखते हैं या हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होती है। हम देखते हैं कि ये जो मास्क है, जैसे मास्क को लगाते हुए हम देखते हैं कि ज्यादा देर तक हम नहीं लगा पाते हैं, उसमें घुटन होने लगती है। तो मेरा मानना यह है कि मास्क इस तरह से हो ताकि ये सामने वाला जो पोर्शन है वो कटोरी के आकार का हो, ताकि बात करने में सहूलियत हो। और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस बात के लिए कि जो मास्क है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम देखेंगे कि परिवहन में या हम जहां भी बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें वाली है, क्योंकि ये महामारी से इतनी जल्दी तो हम छुटकारा पाएंगे नहीं। तो इसके लिए ये चाहिए कि स्कूलों में या आम जनता के लिए स्कूल के यूनिफॉर्म में ही शामिल कर दिया जाए। स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चों के लिए दो दो मास्क स्कूल में लेकर आए, या जो सरकार बच्चों को मतलब यूनिफॉर्म देती तो साथ में मास्क भी दे, और जिस कलर की जो स्कूल की जो जो ड्रेस है उसके आधार पर उसको दो मास्क, और मास्क का जो बनने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जिसमें लोग ये घबराए नहीं, उसका भय नहीं रहे कि नहीं हम बीमार हैं या सामने वाला है या हमें कोरोना लग जाएगा, इस तरह का भय ना रहे। जैसे बच्चों के लिए कुछ कार्टूनी स्ट्रक्चर, गर्ल्स के लिए या जो बुजुर्ग रह गए हैं उनके लिए अलग अलग अपनी तरीके से अच्छा आकर्षित मास्क लगना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूंगी कि जब मास्क थ्री लेयर का रहता है तो बाहरी जो लेयर रहती है उसका कलर अलग होना चाहिए और अंदर की जो लेयर है उसका कलर अलग होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, मास्क निकाल दिया किसी ने और पता चला कि फिर से वही की वही उसी साइड से लगा लिया तो भी बीमारी का खतरा बना रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मास्क बने तो बाहर का कलर अलग रहे और अंदर का जनरली व्हाइट ही रहे, क्योंकि अगर वो खराब होता है तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सारिका जी, और बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने इसमें भी एक इनोवेशन लाने की कोशिश की है और समाज को जागरूक करने की कोशिश की है। ज़रूर आने वाले वक्त में ये एक ट्रेंड होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मांग की है, जो इनोवेशन डिज़ाइन किया है मास्क को लेकर, ये आने वाले वक्त में ज़रूर हमें प्रचलन में, फैशन में दिखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। फिलहाल हमारे साथ सारिका जी जुड़ी है और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक ज़रूरत है, ये इसमें कोई दोमत नहीं है कि आने वाले वक्त में तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आने वाला है, और जो अब तक का हमारा जनजीवन रहा है वो काफ़ी प्रभावित होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज करना और मास्क पहने रखना, ये हमें एक लंबे वक्त तक इन आदतों को अपनाना होगा।